आपके साथ जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करना चाहूँगी कि मैं कविता हूँ. मैंने जो पहले कुछ और टाइटल रखा था, फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे मैं क्या हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि मैं अपने यहाँ इस मंजिल तक या जहाँ भी पहुँच पाई हूँ, अभी तो बहुत दूर जाना है, तो उसके लिए बहुत सारे पड़ाव सबके साथ लाइफ में आते हैं. तो मैंने जो जो चीज़ें फेस की या काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स जो भी लाइफ में देखे, तो उससे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि बी ओरिजिनल, एक अपनी पहचान रखना, वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लाइन में हो. और ख़ास तौर से क्रिएटिव लाइन के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप किसी की भी कॉपी करके कहीं बहुत दूर तक नहीं जा सकते हो. तो उसके लिए एक खुद का एक मकाम बनाना, उसके लिए एक ओरिजिनलिटी रखना बहुत ज़रूरी होता है. एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कहूँगी कि मैंने जब दिल्ली में थी पहले, बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले, तो मैंने एक कमर्शियल, एक जो फर्स्ट गज़ल्स का शो किया था, वो सुपर डुपर हिट गया था. और उसके बाद मुझे कोई एक गुरु जी टाइप के कोई मिल गए, बोले एक नेक्स्ट शो होने वाला था, बोले कि मैं तैयार कराता हूँ गज़लें, उसमें ऐसी मुर्गियाँ और ऐसी कलाकारी वगैरह वगैरह. और वो सब जब सब सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, मेरा शो हुआ. मतलब मेरी अपने करियर के उसमें दैट वाज द ओनली शो कि मैं गा रही हूँ और लोग उठ उठ करके जा रहे थे, कि वो किसी से कनेक्ट ही नहीं हो पाई, बिकॉज मैं वो अपना नहीं गा रही थी, उनकी चीज़ें जो उन्होंने सिखाई थी, तो ना वो गा पाई ना अपना गा पाई, तो कुछ भी नहीं हुआ. तो उस दिन बहुत अफसोस, मतलब घर में मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत सपोर्ट करते थे, उन्हें बहुत अफसोस हुआ, तुमने सब बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया, तुम ये तुम वो. लेकिन मुझे एक रत्ती भर अफसोस ये नहीं हुआ कि मुझे एक रास्ता ये मिला कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं. तो उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि जो भी गाऊंगी मैं अपना गाऊंगी, अपनी कॉम्पोजिशंस गाऊंगी, खुद करूंगी कंपोज या जो भी है. लेकिन उसको उस तरीके से मैंने, उस जो इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में, उससे मुझे एक ये सबक मिला कि अपनी चीज़ों को अपने तरीके से एक अपना रंग दे करके मुझे गाना है. तो वो मैंने कोशिश की और उस पर चल भी रही हूँ. अब अच्छा लगता है कि जैसे कभी रिकॉर्डिंग्स होती हैं तो जो नए कंपोज़र्स हैं या कुछ बोलते हैं कि हम जब स्क्रैच गाने के लिए सिंगर्स को बुलाते हैं तो हम बोलते हैं कि तुम कविता जी की तरह गाओ, तो एक ये खुशी मिलती है कि लोग हमें, हमने अपना एक मकाम बनाया, एक रास्ता बनाया या बना रहे हैं, तो लोग उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं या चल रहे हैं. तो एक ओरिजिनलिटी रखना बहुत ज़रूरी है. और उस भी, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक पैशन होना वो भी बहुत ज़रूरी है. एक मुझे लगता है फ्यूल का काम करता है. जब भी हम किसी भी चीज़ को कर रहे होते हैं, जब तक उसमें 100% डूबेंगे नहीं, भीगेंगे नहीं, तो उस मकाम तक पहुंचना, जो भी आप ड्रीम कर रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लोगों से अलग करते हैं. और मैं कविता हूँ क्योंकि मैं गाती भी कविता हूँ, और मेरा नाम भी कविता है, मेरा काम भी कविता है. और इसी चीज़ को मैं आगे लेकर के जा रही हूँ. मुझे लगता है आज कुछ और भी बहुत अच्छे स्पीकर्स आए होंगे, कुछ से बातचीत भी हो रही थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई उनसे. लेकिन सबका अपना अपना एक अलग सोच है अपने फील्ड को लेकर के. मुझे लगता है कि अभी राइट नाउ, जहाँ जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, स्वानंद साहब इतना अच्छा कलाम लिखते हैं, इतनी अच्छी पोइट्री लिखते हैं, उसके बावजूद ही मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे गाने थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम आ रहे हैं, कम तादाद में आ रहे हैं, या आते हैं तो वो उतना प्रमोट नहीं हो पाते हैं. तो मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उसका नाम ही मैं कविता हूँ रखा है. और उसकी वेब सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस लगा, तो हम उसको एक कॉन्सर्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. और जिससे कि मैं, जो मेरी एक पोइट्री की एक भूख है, एक्चुअली वो मेरा पर्सनल एक एजेंडा था कि मुझे बहुत शौक़ है शायरी का और अच्छी कलाम पढ़ने का, अच्छी पोइट्री पढ़ने का, एक सुकून मिलता है, एक रूहानी सुकून मिलता है. तो उसको मैंने कहा कि कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं शायरों की या पोइट्स की, जो कई बार होता है कि वो बहुत अच्छा लिखता है लेकिन वो स्टेज तक नहीं ला पाता है क्योंकि उस पर तालियाँ नहीं बजती हैं और वो फिर किताब में बंद हो के रह जाती है. बहुत से लोग उसको गा नहीं पाते हैं
या किसी भी वजह से वो नहीं नेगलेक्ट हो जाती है, तो मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि मैं उन पोइट्रीज़ को या उन शायरों को उसमें पुराने नए सब लोगों को लेकर के आऊँ, और एक जो जो चीज़ों को नहीं गाया है या उस शायर की बहुत सारी जो स्टोरीज़ होंगी जो हमको नहीं पता है, एक उनके साथ म्यूज़िकल चीज़ मैं लेकर के आऊँ और उसको मैं आवाम तक पहुंचा सकूं, क्योंकि अच्छा कंटेंट आना बहुत ज़रूरी है, अच्छा लिटरेचर, अच्छी पोइट्री। तो अभी मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की, उसमें मैंने हज़रत अमीर खुसरो को लिया है, मौलाना रूमी को लिया है, कबीर हैं, वसीम बरेलवी साहब हैं और बशीर बद्र साहब हैं। तो उस तरीके का से जो सिलसिला है वो नॉन एंडिंग रहेगा और उसमें अभी पता नहीं कितने निरंतर चेंजेस आएंगे, तो वो मेरा इनिशिएटिव है। और एक और बड़ी अच्छी सी एक बात आपके साथ बताऊंगी, जैसे कि मेरा हमेशा से रहा है कि कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अच्छा हो तो मुझे मज़ा आता है गाने में, मैं अपना 100% दे सकती हूँ, दे पाती हूँ उस चीज़ में। रिसेंटली अभी फिल्म आई थी नीरजा, उसमें मैंने एक गाना गाया था, फिल्म प्रसून जोशी जी ने लिखा था, जीते हैं चल। तो मैं एक केसी कॉलेज वहाँ पर बॉम्बे में एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वहाँ गई थी, तो एक बच्ची व्हीलचेयर पर आई और बोली कि मैम मुझे आपसे बात करनी। मैंने कहा आफ्टर दिस मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी, मेरा जो सब ख़त्म हुआ वो सेशन, उसके बाद मैं उनके पास गई, उस बच्ची के पास, हार्डली 16-17 बरस की होगी वो बच्ची। उन्होंने जस्ट मुझे बताया कि किस तरीके से पोइट्री इफेक्ट करती है, बोल रही थी कि हम मैंने मेरे को बुखार आया और पैरालिसिस हुआ और मैं सोच रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँ, मुझे नहीं जीना है, और लेकिन उसी वक्त FM पे उन्होंने ये गाना सुना, जीते हैं चल, बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, और उस समय मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे ज़िंदगी जीना है। तो वो मेरे लिए एक बहुत सबक वाली चीज़ थी कि हम लोग जाने अनजाने किसकी लाइफ में किस तरीके से उनको इम्पेक्ट रहता है, कि एक बच्चे ने अपना एक जो इतना गलत डिसीजन लेने जा रही थी उस गीत के माध्यम से उन्होंने वो चेंज किया, सही रास्ता पकड़ा। तो हमें मुझे उस दिन से ये लगा कि नहीं, अब तो मैं और 100% श्योर हो गई हूँ कि नहीं मुझे अच्छी चीज़ें, अच्छी पोइट्री जिसमें कुछ बात हो, कुछ मैसेज हो, कुछ कह सकें, तो वो गुनगुनाएं या वो शेयर करें, तो जिससे यदि कोई कहीं भटक रहा हो तो हम एक सही राह दे सकें, मेरा अपना ये मानना है। तो उसकी मैं दो लाइन्स आपको सुना रही हूँ। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। इस सॉन्ग के माध्यम से मुझे एक ये किसी की स्टोरी पता लगी, किसी की नहीं भी, पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा या किस किस तरीके से इंस्पायर होंगे। मैं ये सारे जो भी किस्से या जो भी बात आपको शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ ये कि सिर्फ गाना गा देना वो मेरा कभी भी मकसद नहीं रहा। मैं जब भी कोई गाना लेती हूँ तो उसको कोशिश करती हूँ कि उसको जज्ब कर लूँ, अपने पूरे शरीर में उतार लूँ और उसके बाद उसको 100% अपना दे सकूँ, तो उसका जो एक इम्पेक्ट होता है, इसीलिए व्हाटएवर जब भी मैंने कम गाए हैं, जितने भी गाने गाए हैं, लेकिन उनका एक इम्पेक्ट रहा है, चाहे राजनीति का मोरा पिया मुँह से बोलत नहीं या एक तारा या जो भी तुम ही हो बंधु, वो मेरे उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तुम ही हो बंधु की, कि वो बहुत ही डिफरेंट गाना था, क्लब सॉन्ग टाइप का था, लेकिन मैंने उसको चुना इसलिए कि वो उसकी जो पोइट्री है दैट इज़ टोटली सूफियाना, और मुझे बहुत अपील किया था वो सॉन्ग जब मुझे प्रीतम दा ने भेजा, एंड इमीडिएट मैंने कहा ठीक है आप पोइट्री भेज दीजिए मैं देखती हूँ। मैंने जब पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड इमीडिएट मैं एग्री हो गई थी गाने के लिए, एंड फिर उसके बाद जब गाने के लिए गई बहुत हाई पिच सॉन्ग था वो मेरे लिए, बट मज़ा आ रहा था, थोड़ी सी डरी हुई थी, गाना गा के रिकॉर्ड करके आ गई, मैंने घर आके किसी को भी नहीं बताया कि मैंने ऐसा कोई गाना गाया है। जब प्रोमोज आना शुरू हुए तो
सब लोगों के फ़ोन आना शुरू, अरे कविता तुम्हारा नाम इस तरीके का गाना तुमने गाया, तो अच्छा भी लग रहा था कि मैंने अपना जो एक मिथ बना रखा, नहीं नहीं ऐसे गाने मैं नहीं गाऊंगी या इस तरीके का, बिकॉज मैंने वो गाना इसलिए चुना था कि उसका कलाम बहुत अच्छा इरशाद कामिल जी ने लिखा था, तो दैट वॉज टर्निंग पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, मुझे इतने ऑफर्स ऊल जलूल गानों के मिल रहे थे, कोई बोल रहा है मुजरा गा लो, कोई बोल रहा है आइटम सॉन्ग गा लो। तो अभी अभी लेटेस्ट जो आई है फिल्म बधाई हो, उसके जो डायरेक्टर थे, अभी मैं स्वानंद जी को भी बता रही थी कि उन्होंने मुझे उनकी जो फिल्म एक आई थी तेवर अर्जुन कपूर के साथ, उसमें एक मिक्का के साथ एक आइटम सॉन्ग था वो गाने के लिए मुझे बोला था, तो मैंने उनको यही कहा कि या तो सिचुएशन बदल लीजिए या सिंगर बदल लीजिए, क्योंकि सिंगर बदलना इजी रहेगा आपके लिए, तो वो अच्छा रहेगा कि आप सिंगर चेंज कर दीजिए, बिकॉज मैं भी उस गाने के साथ जुड़ी, यदि उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है मैं भी 100% अपना नहीं दे पाऊँगी, एंड आई क्विट। और कभी भी मुझे अफसोस नहीं हुआ अपने अपने डिसीजंस पे। तो किसी भी लाइन में आप जा रहे हो, एक्स वाई जी जो भी है, लेकिन उसके इनर वॉइस को सुनना बहुत ज़रूरी है और उस पर मतलब डटे रहना कि आप जो कर रहे हो वो सही है, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें लूज़ करनी पड़े, लेकिन उस पर मतलब उस पर डटे रहो कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो सही है। मैंने तो यही फॉलो किया है, शायद इसीलिए नंबर ऑफ़ सॉन्ग्स कम है, लेकिन जो भी आए हैं वो अपने आप में एक मकाम रखते हैं, और मुझे बहुत ठीक लगता है कि जो भी मैंने किया। इवन जब मैंने एक तारा सॉन्ग गाया था, तो उसका जो मेल वर्जन है जो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, वो मैं 6 महीने से वही गा रही थी, वो इतना खूबसूरत था। इवन जब मुझे लास्ट में एक दिन पहले पता चला कि नई लिरिक्स चेंज हो गई हैं, जावेद जी ने लिख रहे हैं उनकी वाली गानी है, तो मैंने अमित को बोला, मैंने कहा नहीं मैं नहीं गाऊंगी, वो मुझे वही गाना है। बोले नई पिक्चर की सिचुएशन इस तरीके से है, आपको ये वाला गाना पड़ेगा, लेकिन स्टिल आई लव दैट सॉन्ग, बिकॉज वो एक होती ना पहली मोहब्बत, तो मेरे साथ भी वही है कि मुझे रूह का बंजारा जो है, दैट इज़ माई फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, लोगों के लिए मैं गुनगुनाती हूँ एक तारा। तो आपको 2 लाइन सुनाती हूँ उसकी। हो रे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। तो बस आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जो मैं एक नई एक इनिशिएटिव पे जो काम कर रही हूँ, मैं कविता हूँ, तो मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। एक और मैं आपको सूफियाना एक कलाम सुना देती हूँ। बदल रहा है जो शब सहर में, खुदा वही है खुदा वही है, खुदा वही है जिसका जलवा नजर नजर में, है जिसका जलवा नजर नजर में, खुदा वही है खुदा वही है, खुदा वही है खुदा वही है, जो दिल की धड़कन बना हुआ है, जो कानों में रस घोलता है, जो जानो दिल है और जिगर में, खुदा वही
सदा वही है, खुदा वही है। नॉन फिल्मी तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने कंपोज किए हैं, तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट। कोशिश है कि हर महीने कुछ ना कुछ मैं रिलीज़ करती रहूं। जैसे अभी मैं कविता हूं सीरीज़ में वसीम साहब से शुरू कर रही हूं, तो अभी उनकी गज़लों को कंपोज़ कर रही हूं और बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज़ पोइट्री मेरा पैशन है, तो उनको जो कंपोज़ करके मज़ा आ रहा है। उसी तरीके से पढ़ना, गुनगुनाना, उसको कंपोज़ करना, तो ऐसा लगता है कि ये एक लाइफ कम है उस सबको करने के लिए, हम जितना भी काम कर रहे हैं। और एक स्पीड भी होती है, एक होता है जब आप उस रंग में रंग जाते हो, फिर जो एक आमद होती है कई चीज़ों में, तो उसका एक मज़ा अलग है, नशा अलग है। तो आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट, जो जर्नी है उसको मैं कविता हूँ कि उसको उसके मज़े ले रही हूँ। शुक्रिया देन, थैंक यू।